वेलकम टू माय चैनल दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल। मेरा नाम है दीपिका, आप देख रहे हैं दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल। कैसा लगा ये वीडियो, ये सॉफ्टवेयर मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं तो कमेंट कीजिए, नीचे बोलिए कि अच्छा लगा कि नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोग के पास तो मैं पहुंच नहीं पाती, पर आप लोगों का कमेंट तो मेरे पास पहुँच सकता है ना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्यूट सा टेडी बियर आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। पोकेमोन टेडी बियर आपके बच्चों के लिए बनाएंगे ना, बच्चे पूरा पागल हो जाएंगे देख के ये वाला। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतना कम सब्सक्राइबर क्यों है मेरे चैनल पे? आप लोग को पसंद नहीं आता वीडियो तो सब्सक्राइब करो, और देखो साइड में सब्सक्राइब का बटन है उससे प्रेस करके ग्रे कर दो, लाल है ना उसको ग्रे कर दो। उसके बाद बेल आइकन आ जाएगा तो बेल तो बजेगा ना, कोई आएगा तो बेल तो बजेगा ना। तो इसी तरह मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो बेल तो बजेगा ना, आप लोग के मोबाइल पे घंटी तो बजेगा कि दीपिका फिर से आ गई, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर तो ज़रूर करो, शेयर सबके साथ करना चाहिए। बोलते हैं कि शेयर करने से, खुशियाँ शेयर करने से और भी बढ़ता है, तो शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, अभी मुद्दा आता है वीडियो के टॉपिक के ऊपर। उसके बाद देखिए, ये मैंने रेड आई लगाया ना, आप ब्लैक कलर लगाइएगा, क्योंकि उसमें ना ब्लैक कलर का आइस था, मेरे पास आइस ही नहीं था, कुछ है ही नहीं, और सब मटेरियल्स ख़त्म हो गया। अभी यहाँ का लॉकडाउन खुला है तो मैं जाके शॉपिंग थोड़ा बहुत करूँगी। आप लोगों को शॉपिंग देखना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको शॉपिंग लेके जाऊँगी, ठीक है। और ये वाला रेड कलर में, ये वाला ब्लैक कलर लगाइएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको अच्छा वाला जीन्स कपड़ा ब्राउन में मिलेगा आपको, अपना पैंट मत कट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर पता चला कि दीपिका का सॉफ्टवेयर देख के आप पैंट ही अपना कट कर दिए और आपके मम्मी लोग मेरे को मानने आ गए, ठीक है। आपको कोई भी पुराना जीन्स कपड़ा अच्छा हो, ब्राउन कलर में हो, तो इसको जीन्स कपड़े में बनाइए। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटे में मैं पैटर्न दे दूँगी, आप बना दीजिएगा। और इसको चाहे तो आप वेल्वो में बनाइए या फिर फेल्ट में मत बनाइए, बहुत गंदा कपड़ा होता है। इतना सुंदर टेडी आप इतना गंदा कपड़ा में मत बनाइए। आप चाहें तो इसको वेल्वो में बना सकते हैं, इस तरह का शॉर्ट फर में बना सकते हैं, या फिर जो लॉन्ग फर होता है उस पर भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लगेगा। तो चलिए, बहुत बातें हो गया, 3 मिनट से आपको बक बक कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। आपको पिकाचू बनाने के लिए इतना सारा सामान ज़रूरत होगा। देखिए, मेन कलर आपको येल्लो है, येल्लो आप कुछ भी ले सकते हैं, फेल्ट, वेल्वो, या फिर आप लोग चाहें तो ये कारपेट फर या फिर शॉर्ट फर, कुछ भी ले सकते हैं आप, अपने मर्जी के हिसाब से बनाइए। ये 3 कलर चाहिए, ये करीबन आपको 20 सेंटीमीटर लग जाएगा। इसको आप करीबन थोड़ा सा ही चाहिए सिर्फ ईयर बनाने के लिए, उसके ऊपर लगेगा, बस इतना ही चाहिए। और आपको ये ब्राउन करीबन आपको 10 सेंटीमीटर लग जाएगा। आप लोग हर बार पूछते हो कि मुझे कि आप लोग थ्रेड, आप कौन सा थ्रेड यूज़ करते हो। देखिए, मैं मून का थ्रेड यूज़ करती हूँ, यहाँ पर मून का थ्रेड मिलता है। आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे कि ये वाला आप लोग जो कपड़ा सिलते हैं वही थ्रेड है। अब मैं इसमें स्टिच नहीं करती क्योंकि हाथ बहुत कट जाता है स्टिच करने के टाइम, क्योंकि मैं एक टेडी बियर तो नहीं बनाती, बहुत सारे बनाती हूँ, तो उसी स्टिच करते वक्त हाथ कट जाता है और बहुत पेन होता है, इसलिए मैं ये वाला थ्रेड और यूज़ नहीं कर सकती। आप लोग मशीन में चाहें तो ये वाला थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहें तो स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं ये वाला थ्रेड यूज़ करती हूँ, ये मोटा वाला रील है, आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे। ये सभी आपको थ्रेड मार्केट के जो धागा वगैरह मिलता है वही मिल जाएगा। देखिए, ये वाला थ्रेड आपको मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए, ग्लू, हमेशा ग्लू पास में रखिएगा। ग्लू आपको
आपको स्टिच करने में आपको चिपकाने के लिए यूज़ होता है, और इसमें आईज नोज चिपकाएंगे तो ये वाला यूज़ होगा ही होगा। और आँखें और उसका चिक वगैरह बनाने के लिए देखिए तीन कलर चाहिए, मैं तीन कलर वेल्वो फेल्ट यूज़ की हूँ, तो थोड़ा थोड़ा इतने में हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए फाइबर रूल, ये फाइबर रूल आपको करीबन लग जाएगा करीबन 250 से 300 ग्राम फाइबर रूल लग जाएगा। और पैटर्न, पैटर्न यहाँ पर फ्री नहीं है, आपको पैटर्न परचेज करना पड़ेगा। तो आप लोग चाहें तो पैटर्न आप पेपर पैटर्न यूज़ कर, पेपर पैटर्न मेरे से ले सकते हैं, और चाहें तो पीडीएफ में पैटर्न ले सकते हैं। उसका पूरा पूरा आपको इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़िएगा उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये ईयर का पार्ट है, नीचे वाला येलो होगा ऊपर वाला ब्लैक होगा, तो दोनों को यहाँ से यहाँ तक लगा के जैसे स्टिच है हम लोग कैसे करेंगे, मैं बोली थी मुझे ये धागा ही ठीक लगता है, तो आप लोग यहाँ से रखेंगे और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सारे फर को अंदर डालिएगा, बाहर मत डाल रखिएगा क्योंकि टिटी बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह स्टिच कीजिएगा, देखिए पूरा अंदर डालिएगा और अंदर डाल के इसको बाहर खींचेगा। आगे हर एक वीडियो हर एक पैटर्न आपको इसी तरीके से स्टिच करना है, बस इसी तरीके से आप पूरा स्टिच कर लीजिएगा। ये दोनों स्टिच होने के बाद इसी तरीके से फोर पीस कट होगा, इसका फोर पीस और इसका फोर पीस कट होगा, दोनों का इस तरीके से मिला के मिला दीजिएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच हो जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग भी दिया गया है, आप लोग देखिएगा और अच्छे से देखेंगे तो नंबरिंग आपको मिल जाएगा। नंबरिंग मिलेगा आपको मिलेगा 9 और यहाँ पर भी 9 9 और 9। आप अच्छे से देखिएगा पैटर्न को, पैटर्न बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है, तो आप लोग आराम आराम से देख के स्टिच कीजिएगा। टेल पार्ट को यहाँ दिखा देती हूँ, देखिए टेल पार्ट है, आप लोग को स्टिच आप लोग को पैटर्न कुछ इस तरह मिलेगा देखिए, और आप कट यहाँ पर करेंगे, ये ड्राइंग दिया है होगा, आप यहाँ पर कट कर लेंगे, जैसे कट करेंगे वैसी तरह स्टिच करेंगे। देखिए ये ऊपर का पार्ट है येलो और नीचे का ब्राउन, तो नीचे का ब्राउन रखेंगे कुछ इस तरह, और ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, और रख के देखिए ये यहाँ से स्टिच होगा यहाँ से, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग देख के आराम से स्टिच कीजिएगा। ये पूरा पार्ट इसी ज़िगज़ैग शेप में स्टिच होगा, ऐसे दो पीस आप कट कीजिएगा, दो दो पीस कट कीजिएगा, उसके बाद रख के दोनों पीस को देखिए आपस में ऐसे रख के यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके पूरा ये जगह और घुमा के आपको यहाँ तक, और ये वाला जगह ओपन रहेगा, ये पूरा स्टिच हो जाएगा। ये हैंड है, आपको पता चल गया होगा, दो दो पीस को रख के देखिए दो दो पीस को रख के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टिच हो जाएगा। ये वाला आपका बैक, ये फ्रंट वाला बेली है, तो आप लोग स्टिच करेंगे यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, दोनों पीस को रखेंगे, देखिए मैं उल्टा लिख दी, ये होगा आपका ये यहाँ पर लिखा जाएगा 5 और यहाँ पर लिखा होगा ए और यहाँ पर लिखा होगा सी। पैटर्न को देखिएगा और आप लिख दीजिएगा ए सी और ए, स्टिच होगा 5 से लेके ए तक, ये वाला पोर्शन दोनों को दोनों का स्टिच होगा। और उसके बाद
और यहाँ पर लिखिएगा डी। और लिखने के बाद ये आपका इनर लेग, ये इनर लेग का यहाँ पर लिखिएगा डी और यहाँ पर लिखिएगा सी, डी सी, ये दोनों को मिला के इसी तरह स्टिच होगा। ये दोनों यहाँ पर इस तरह यहाँ पर स्टिच होगा एक, और यहाँ पर दूसरा वाला ये वाला स्टिच होगा। देखिए ये वाला एक स्टिच होगा और ये वाला सी से सी, डी से डी, और सेम डी से डी, सी से सी, और यहाँ पर ए तो लिखा होगा, और ये दोनों पार्ट स्टिच होगा। ये बॉडी है, देखिए दोनों पीस कट कीजिएगा, पैटर्न में लिखा होगा किस डायरेक्शन में कट करना है, तो आप लोग उसी डायरेक्शन में कट कीजिएगा। और स्टिच होगा बी, यहाँ पर लिखा है बी सी, तो यहाँ पर स्टिच होगा बी से लेके सी तक स्टिच होगा, पर यहाँ पर आप थोड़ा जगह खुला छोड़ देंगे, ओपन रखेंगे स्टफ डालने के लिए, इतना जगह ओपन रहेगा, और बी से लेके सी, और जो रेस्ट बच गया वो स्टिच होगा। फ्रंट फेस है, आपको कटिंग ये वाला मिलेगा। देखिए आप क्या करेंगे, इसको रख के कटिंग रख के ऐसे एक कट करेंगे, और उसको रिवर्स रख के एक और कट करेंगे। मैं यहाँ पर बीच में कट नहीं की, क्योंकि ये वाला जॉइंट है, मतलब जॉइंट रहेगा, और ये यहाँ से और यहाँ से डार्ट रहेगा, तब तो आप कुछ इस तरह स्टिच कर लेंगे। ये वाला पार्ट स्टिच हो जाएगा और ये वाला पार्ट स्टिच हो जाएगा, मतलब ये डार्ट कहने को बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ स्टिच हो जाएगा। उसके बाद ये बैक हेड है, ये यहाँ पर गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं था तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके स्टिच करना पड़ा। और तो आपको ये पूरा वाला मिलेगा, और आप भी इसी तरह दो पीस कट कीजिएगा, इस दोनों को इस तरह रख के और आप ये दोनों को आपस में ऐसे जॉइंट करके यहाँ से आप पैटर्न देखिएगा और स्टिच करना स्टार्ट कीजिएगा। पैटर्न में भी लिखा है कहाँ से कहाँ स्टिच होगा। आठ स्टिच हो गया, देखिए यहाँ पर ये वाला भी स्टिच हो गया और ये वाला भी। अब हम लोग देखिए ये भी स्टिच हो गया, अब हम लोग स्टिच करेंगे। तो पहले कैसे स्टिच करेंगे, देखिए ये बैक वाला पोर्शन है और ये फ्रंट वाला पोर्शन है। अब हम लोग यहाँ पर इसको एक डार्ट लगा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर भी ओ लिखा है, तो यहाँ से लेके और देखिए पीछे भी ओ लिखा है, यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे ताकि हम लोग का पैटर्न इधर उधर ना हो। आप इसी तरह कीजिएगा, देखिए मैंने डार्ट एक एक स्टिच लगा दिया ओ से ओ, और बैक साइड में भी ओ से ओ। उसके बाद हम लोग पूरा ये पार्ट और उसके बाद ये पार्ट को स्टिच करेंगे। स्टिच हो जाएगा जब, देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है बॉडी का, हमने स्टिच कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पर लेग भी स्टिच कर लिया, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो बॉडी पार्ट था इसको इतना जगह ओपन छोड़ दिया और पूरा स्टिच कर लिया। अब इसको हम लोग जॉइन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर डी लिखा है, पैटर्न भी देख लीजिएगा, ये वाला जो इनर लेग है, और उसमें भी लिखा है डी,
और यहाँ पर सी लिखा है, इनर लेग में सी लिखा होगा, देखिएगा मैं लिख देती हूँ आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस साइड लिखी हूँ इस साइड नहीं लिखी हूँ इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर ए लिखा है और ए आप देख लीजिएगा। इतना पार्ट को हम लोग अभी स्टिच करेंगे। पहले देखिए ये जो नेक पीस है, नेक एरिया है, उसको हम लोग स्टिच करेंगे। देखिए इसका कोना और ये वाला इसका कोना, यहाँ पर एक अच्छे से गांठ डालिएगा। मैं हर वीडियो में ऐसे ही गांठ डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इससे सिक्योर रहता है और अच्छे से इधर उधर भी पार्ट नहीं होता इसलिए। उसके बाद देखिए डी लिखा है और डी लिखा है, वहाँ पर स्टिच होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद देखिए ये वाला यहाँ गया है और ये भी यहाँ गया है, और इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये वाला देख लीजिए आप, यहाँ से ये वाला हिस्सा और पीछे का सेम यहाँ से यहाँ तक स्टिच होगा। और उसके बाद देखिए ए, ए से लेके ए यहाँ पर एक स्टिच होगा। और ये फ्रंट का सेंटर और ये बैक का सेंटर, ये दोनों यहाँ पर सी लिखा है, आप सी को जहाँ सी लिखा है वहीं स्टिच कीजिएगा। सी को सी जॉइंट करने के बाद देखिए ये जो सेंटर है फ्रंट वाला सेंटर, और देखिए ये यहाँ पर डी लिखा है, देखिए डी लिखा है यहाँ पर भी डी लिखा है। मैंने आपको पहले ये वाला सी से यहाँ तक स्टिच करने के लिए बता दी थी, पर आप स्टिच मत कीजिएगा, सी से डी पूरा खुला रहेगा। और डी यहाँ लिखा है और यहाँ पर भी डी लिखा है। पैटर्न देख लीजिएगा अच्छे से, पैटर्न को देख लीजिएगा कुछ स्टिच करने से पहले, और डी को डी से स्टिच कीजिएगा। मैं ये वाला हमेशा गलती करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ कहाँ से स्टिच करना है। तो देखिए पहले देख लीजिए हमने ये वाला स्टिच किया, देख लीजिए ये वाला जो नेक एरिया है इसका कोना वाला हिस्सा हमने पहले स्टिच किया। उसके बाद डी लिखा है, आप पैटर्न देखिए, डी यहाँ बैक बॉडी में लिखा है और फ्रंट बॉडी में भी डी लिखा है। उसके बाद ये वाला हिस्सा हमने स्टिच किया। उसके बाद ये ए यहाँ पर भी ए लिखा है और यहाँ पर भी ए लिखा है, ये वाला हिस्सा स्टिच करेंगे। उसके बाद सी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, और ये जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर डी लिखा है देखिएगा, और यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर डी लिखा है, वो वाला भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर स्टिच हुआ उसी तरह ये वाला भी स्टिच होगा। ये वाला ओपन छोड़ लीजिएगा, ये वाला खुला छोड़िएगा। इतना स्टिच करने के बाद मैं बताऊँगी यहाँ पर क्या स्टिच
करना है। जब देखिए ये बॉडी का पार्ट है, ये बॉडी का फ्रंट है और फ्रंट के साथ एक स्टिच लगाएंगे। देखिए ये फ्रंट और ये फ्रंट का सेंटर, वहाँ पर एक स्टिच ऐसे लगा देंगे। और उसके बाद इसका देखिए ये वाला नेक एरिया है, इसका जॉइंट और यहाँ का जॉइंट, एक लगा देंगे। पैटर्न देखिएगा, पैटर्न में भी ठीक से लिखा गया है, और वीडियो भी देखिएगा। और उसके बाद ये वाला और यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए ये जो पीछे का है, पीछे का सेंटर और उसका हेड का सेंटर, और यहाँ पर हो गया स्टिच। अभी पूरा कहाँ से क्या स्टिच होना है, पूरा एग्जैक्ट स्टिच हो गया, और हम लोग अभी सारे स्टिच को फिलअप कर देंगे। हम देखिए ये पीछे वाला स्टिच हो जाएगा, और पीछे में थोड़ा एक जगह रख दीजिएगा ओपन, नहीं यहाँ पर तो खुला ही है, मैं भूल गई थी, यहाँ पर खुला है। ठीक है, पूरा ये वाला स्टिच हो जाएगा और फ्रंट का भी स्टिच हो जाएगा और ये वाला हिस्सा स्टिच हो जाएगा। और उसके बाद देखें, हम लोगों ने ये वाला छोड़ दिया था, तो हम लोग अभी देखिए ऐसे मार्क होगा पैटर्न में, और इसको इस तरह स्टिच कीजिए, यहाँ पर एक डॉट लगाइए, उसके बाद खुला छोड़िए ये वाला, और इसका देखिए सेंटर, सेंटर इस तरह रखेंगे और इस तरह मार्क करेंगे सेंटर, सेंटर मार्क हो गया। उसके बाद ये जो छोटा वाला होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, देखिए ये वाला एक यहाँ पर एक स्टिच लगा दीजिए, और उसके बाद देखिए ये वाला जो नीचे का पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ का सेंटर, यहाँ पर एक स्टिच लगा दीजिए। हो गया, अब इसको इस गोलाई में स्टिच कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर रखी हूँ इस गोलाई में, इस दोनों को स्टिच कर लीजिएगा। ये टेल पार्ट है, हम लोग स्टिच कर लिए, इसको भी सीधा कर लेंगे, और अंदर स्टफ डाल दीजिएगा, कुछ इस तरीके से सीधा कीजिएगा, आराम आराम से स्टिच कीजिएगा, क्योंकि मोटा कपड़ा है ना, अगर कोई इसमें बना रहा है, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट फर में बना रहा है, तो धीरे धीरे से निकालिएगा। अगर मशीन में है तो उसका तो मजबूती रहेगा, पर हाथ में जो लोग स्टिच करेंगे तो उसको आराम से निकालिएगा। देखें, और ये वाला वही सेम ईयर पार्ट है, देखिए ईयर पार्ट हमने दोनों स्टिच कर लिया, और स्टिच करने के बाद इसको भी ऐसे सीधा कर लीजिएगा, और ईयर पार्ट में और थोड़ा हैंड पार्ट में, ईयर पार्ट में भर के स्टफ डालिएगा, और हैंड पार्ट और टेल पार्ट में भी भर के स्टफ डालिएगा,
और ढीला मत छोड़िएगा ईयर पार्ट में, अच्छे से स्टफ डालिएगा। और ये देखिए हैंड है, देखिए मैंने पहले सीधा कर लिया, और इतना पार्ट हम लोग का बॉडी और हेड स्टिच होने के बाद लगेगा।
थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।